नमस्कार दोस्तों, आइए ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे पिछली वीडियो में करेक्शंस के, उनके आंसर्स करते हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देकर आंसर देते हैं, उनके सॉल्व करते हैं। पहला था ये, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जो गलती है वो यहां पर है, ये जो वर्ड है आपका मोस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म है ऑफ एडजेक्टिव मच और मैनी। इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री है वो मोर होती है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो मोस्ट होती है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, ये भी आपको पता है और इसलिए आपको इसमें गलती नहीं लगी होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, जो मोस्ट है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये, जैसे मैंने बताया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है मच की, दूसरा जो इसका मीनिंग होता है वो होता है अधिकतर, जिसको बोलते हैं अधिकतर या अधिकांश, अधिकतर या अधिकांश। तो जब अधिकांश का अर्थ हो, अधिकांश की सेंस में इसका यूज हो, तब मोस्ट नहीं लगता है। और उसी सेंस में यहां पर इसका यूज हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अधिकांश एक्सचेंज है वो सस्पेंडेड है। अधिकांश, सबसे ज्यादा नहीं, अधिकांश, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो अधिकांश द नहीं आएगा यहां पर, ये इसमें गलती थी। अगला एट ए टाइम, ये वही सेंटेंस है पर आपकी बात में गलती दूसरी जगह कर दी है। देखिए इसमें कहां पर है गलती, इसमें जो गलती है वो भी यही है। ये जो द बोथ लिखा है ये गलती है, जो द बोथ है, ये जो बोथ वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही टू होता है, टू इसमें निहित होता है, दी और टू ये निहित होते हैं, इसलिए बोथ से पहले कभी भी द नहीं आए। बोध के बाद तो आ जाता है लेकिन बोध से पहले नहीं आएगा, ये इसमें गलती थी। अब देखिए ये भी वही सेंटेंस, इसमें कहीं और गलती कर दी है। ये मैंने हिंदू के एडिटोरियल से लिए थे लेकिन आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए मिस्टेक इसमें पैदा कर दी थी। अब देखिए इसमें वो दा भी नहीं है, बोध से पहले भी दा नहीं है। अब गलती कहां कर दी, अब गलती सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कर दी और वो गलती यहां पर है, ये आप देख लीजिए, ये लिखा है सी। अब इसमें सेंटेंस देखिए, वर्ब टू, इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए कहां पर है और वो सब्जेक्ट वो है इवन ए स्मॉल, इवन ए सिंपल प्रपोजल, ये सिंपल प्रपोजल है ये सब्जेक्ट है और इसी को अब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए और आपकी जो वर्ब है वो टेंस, नंबर और पर्सन से मैच करनी चाहिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप में वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके एंड में एस लगता है, तो सीम की बजाय सिंड होनी चाहिए, फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, इवन द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स मे हैव बीन कैंसल बट द कॉन्शियस अटेम्प्ट बाय द टू गवर्नमेंट टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर फेथ बेस्ड ट्रेवल एज वॉज डन फॉर करतारपुर
कॉरिडोर दैट हैज कम अप इन 2019 यहां गलती है. देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि इन दोनों का जब यूज होना हो तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका यूज हम जब करते हैं जब काम अभी अभी पूरा हुआ हो और उसके जो संकेत देने वाले शब्द होते हैं वो ऑलरेडी, येट, जस्ट नाउ, ये कुछ जगह हो तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है या आपके जो सेंटेंस है उसी से मीनिंग निकले कि काम अभी भी पूरा हुआ है तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है. और सिंपल पास्ट जब आपको बता दिया गया हो पार्टिकुलरली कि टाइम कब खत्म हुआ है, चाहे वो बिल्कुल नियर पास्ट लगता हो, अगर मेंशन कर दिया जैसा कि इसमें मेंशन हुआ 2019, अगर मेंशन हो गया है तो आपने सिंपल पास्ट लगाना है. तो हैज कम अप की जगह केम अप लगाना चाहिए यहां पर, फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट, रिलीजियस एक्सचेंजेस ऑफ मेनली मुस्लिम पिलग्रिम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड हिंदूज एंड सिक्स फ्रॉम इंडिया एज गवर्न बाय ए प्रोटोकॉल साइंड इन 1974 are allowed to continue. देखिए, are governed and are allowed. ये जो are है ये दोनों जगह एक ही जगह लिखने से दोनों जगह का काम दे सकता है, तो यहां पर दोबारा are लिखने की आपको जरूरत नहीं है. Are governed एंड अलाउड, ये इसमें गलती थी. दोनों जगह आप रिपीट मत कीजिए. व्हाइल द रूट्स फॉर सिख पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडियन पीपल इंडियन पंजाब टू द पाकिस्तानी प्रोविंस आर रिलेटिवली इजियर, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी पिलग्रिम्स फेस मोर रूट्स. अब देखिए इसमें जो गलती है वो रिलेटिवली इजियर की है. रिलेटिवली जब वर्ड आ गया तो कंपैरिजन अपने आप हो गया, फिर आपको इजियर लगाने की जरूरत नहीं है. इजी, रिलेटिवली इजी, अपेक्षाकृत आसान, और इजियर भी उसका भी यही मीनिंग होता है, अपेक्षाकृत आसान. तो या तो इजियर लगाओ या फिर रिलेटिवली इजी लगाओ. ये गलती बहुत बार होती है इसलिए मैंने इसको इसमें दिया था आपके देखने के लिए. टू एड एक्स्ट्रा टाइम इन ट्रेवल द पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल विच हैज नाउ साइंड एन एमओयू विद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस टू फैसिलिटेट फेयर बेस्ड टूर ग्रुप्स have asked that PIA charters from Karachi and Lahore be allowed to fly direct to Indian cities this week with a view to also allowing reciprocal air charters from India. देखिए इसमें subject verb agreement की गलती है. ये जो verb है have asked, इसकी verb देखो कहाँ है, इसकी जो verb है वो to the Pakistani Hindu Council. पाकिस्तान हिंदू काउंसिल विच हैज नाउ साइंड एन एमओयू विद पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये इसके साथ में एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है. अब देखिए यहां तक का है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ये कॉमा लगा हुआ और यहां कॉमा लगा हुआ, इन दो कॉमों के बीच में ही है. इसको आप बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो इस पार्ट को, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है.
अब देखिए आपका सेंटेंस कैसे बनता है। The Pakistani Hindu Council have asked, have नहीं आएगा यहां पर, है जाएगा, has asked। अगला, ये वही सेंटेंस है, गलती कहीं और कर दी। तो देखिए वहां तो ठीक होगी आपकी, है जाएगा। अब देखिए, we allowed to fly direct to Indian cities this week with a view to, ये जो आप ध्यान रखिए हमेशा with a view to, ये एक phrase है अपने आप में। इसके बाद जब ये have to आ गया है तो infinitive नहीं आएगा, इसके बाद gerund आएगा। तो ये to allow यहां पर गलत है, इसकी जगह allow चाहिए। तो अगर कहीं लिखेंगे आप विद ए व्यू टू अलाउ, ये गलत है। विद ए व्यू टू अलाउिंग, विद ए व्यू टू सी यू, ये गलत है। विद ए व्यू टू सी यू, ये ठीक है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है उसी की तरह, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद भी यहां पर सी यू सून, लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑन मंडे, ये गलत हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन मंडे, ये गलती भी बहुत बार हम लोग करते हैं, इसलिए मैंने इसको दिया है यहां पर। अगला, नो एविडेंट हार्म टू नेशनल इंटरेस्ट हैव कम फ्रॉम ए फ्यू other such moves recently embarked on by the two countries. ये subject or agreement, ये no evident harm, ये singular है, singular के साथ singular word है। अगला, यही sentence है, गलती कहीं और है। no evident harm national interest has come, ये हो गया ठीक। from few गलत है, few का मतलब होता है ना के बराबर, पर ना के बराबर, बिल्कुल ही जिसका अर्थ ना हो, तो वो हमारा मतलब नहीं है यहां पर। यह हमारा मतलब है थोड़े, ए फ्यू अदर, तो ए आना चाहिए यहां पर, ए फ्यू अदर सच मूव्स, ये इसमें गलती थी। फ्यू और ए फ्यू की जो थी वो गलती थी। तो बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।